गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेलीस्कोप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। बेटा मुझे सबसे पहले आप एक चीज बताओ कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में बेसिक फर्क क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर माइक्रोस्कोप बनाऊंगा और यहां पे मैंने टेलीस्कोप बनाया, ध्यान में रहा आप अच्छे से। तो बेटा ये माइक्रोस्कोप में छोटी चीज आपको देखना होता है। माइक्रोस्कोप यानी आप माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल देख रहे हो, छोटी चीज देख रहे हो। तो सामने वाली लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस छोटी है और आपके आंखों की तरफ वाली आईपीस ये आपकी बड़ी है। ठीक है ना, ये क्या हुआ आपका माइक्रोस्कोप, जहां पे छोटी चीज देखना तो ऑब्जेक्टिव लेंस छोटी और आपके आंखों की तरफ वाली आईपीस बड़ी। जैसे आपने माइक्रोस्कोप आप ऐसे देखते हो, ठीक है ना, तो ये सामने वाली लेंस छोटी रहती है और ये वाली लेंस आपकी बड़ी रहती है। क्लियर। और ये हो गया बेटा अपना क्या टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में आप क्या करते हो, दूर की बड़ी चीज देखते हो। तो टेलीस्कोप में दूर की बड़ी चीज देखना तो सामने वाली लेंस बड़ी रहेगी और पीछे वाली लेंस आपकी छोटी रहेगी। समझ में आया बेटा यहां तक। ये क्या है आपका माइक्रोस्कोप, ये क्या है आपका टेलीस्कोप। आपको सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ी और आईपीस छोटी, वही आपका माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटी आईपीस बड़ी। क्लियर हो गया सबको यहां तक। चलो अगले पॉइंट पे शिफ्ट होते हम लोग। अब हमको टेलीस्कोप को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, माइक्रोस्कोप हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखना ये आपका टेलीस्कोप, तो आप यहां पे दूर की चीज देखना चाहते हो। दूर बोले तो क्या स्टार्स, जैसे आप स्टार्स को देखना चाह रहे हो। तो जब आप दूर की चीज देखना चाह रहे हो तो दूर से आने वाली लाइट रेज, दूर से आने वाली लाइट रेज हमेशा पैरेलल टकराएगी। तो ये ऐसे पैरेलल लाइट रेज आ रहे, क्योंकि स्टार्स आपके काफी दूर है। काफी दूर है बोले तो क्या इंफिनिटी पे, और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता है, दूर रहता है, तो वहां से आने वाली रेज हम हमेशा पैरेलल लेते हैं। तो ये पैरेलल रेज ले लेंगे। बट यहां से तो नंबर ऑफ लाइट रेज आ रही होगी, ऐसे नंबर ऑफ लाइट रेज आ रही है। इनमें से कोई दो लाइट रेज भी आप ले लो तो भी आपका काम हो जाता है। तो एक लाइट रेज लिया जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली एज इट इज जाती विदाउट एनी डेविएशन। और एक थोड़ा सा ऊपर वाली लाइट रे ले लिया, ये बेंड हुआ और ये इस तरफ आ गया। सो ऐसे दो लाइट रेज से यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन आ गया। ये दो लाइट रेज यहाँ पे क्रॉस होगी, तो दो लाइट रेज यहाँ पे क्रॉस होगी तो ये यहाँ पे क्या फॉर्म होगा आपका इमेज। तो ऑब्जेक्ट है आपका इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बनेगा आपका फोकस पे। तो ये जो रहेगा वो इमेज डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ बनेगा। यहां अच्छे से ध्यान देना आपको। ठीक है, ये क्या है बेटा हमारा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आईपीस, जो आंखों की तरफ है वो आईपीस और जो ऑब्जेक्ट की तरफ है वो ऑब्जेक्टिव लेंस। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत दूर है, सन हो गए, स्टार्स हो गए, तो स्टार्स बहुत दूर है, तो दूर से आने वाली लाइट रेज कैसे आती है पैरेलल। और जब पैरेलल लाइट रेज आती है तो वो कहां पे मिलती है फोकस पे। तो इमेज डिस्टेंस क्या हुआ फोकल लेंथ, वही आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इंफिनिटी। ये किसके लिए ले रहे हैं आप लोग, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। सो फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इनफाइनाइट, यानी स्टार्स आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, और वही आपका इमेज कहां पर बनेगी फोकस पे। सो इमेज डिस्टेंस इज नथिंग बट फोकल लेंथ। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये लाइट रेज सामने जाके ऐसे टकराएगी और यहां से ऐसे डाइवर्ज होगी और ये लाइट रेज आपकी आंखों में आएगी। तो जब ये लाइट रेज आपकी आंखों में आएगी तो इमेज यहां कहीं तो भी बनेगी। तो ये होगी आपकी इमेज। ठीक है, अब बेटा ये क्या है आपकी आईपीस। आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हुआ। सो ये आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखाया फॉर द आईपीस, और इमेज कहां फॉर्म हुई यहां पर। सो ये क्या लेगा आपका इमेज डिस्टेंस फॉर द आईपीस। समझाइए, अगर आपकी इमेज इंफिनिटी पे बनाते हो तो इमेज डिस्टेंस उस समय आपका इंफाइनाइट हो जाएगा। इमेज आप डी डिस्टेंस पे भी बना सकते हो, इमेज को आप इंफिनिटी पे भी बना सकते हो। क्लियर, ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखना। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है।
सो मैग्निफिकेशन होता है कि ऑब्जेक्ट आपके साथ कितना एंगल बना रहा है विथ डिवाइस और विदाउट डिवाइस दोनों का रेशियो। जैसे आपका ऑब्जेक्ट हुआ या डायरेक्ट आंखों से देखो तो ये एंगल बना रहा है ऐसा, ठीक है ना, ये हो गया अपना डायरेक्ट बनने वाला एंगल अल्फा। वही अगर आपने डिवाइस लिया जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, कोई भी सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, लेंस हो गया, तो डिवाइस के मदद से देखो तो ये चीज आपको बड़ी दिखाई देती, तो एंगल आपका क्या बनता, बड़ा एंगल बनता। सो ये हुआ एंगल विथ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप और ये हुआ एंगल विदाउट माइक्रोस्कोप विदाउट टेलीस्कोप, ठीक है। तो अब अगर आप दूर के स्टार्स देख रहे हैं तो दूर के स्टार्स हमारे आंखों के साथ मान लो अल्फा एंगल बना रहे हैं, आप दूर के स्टार्स देख रहे हो तो दूर का स्टार्स आपकी आंखों के साथ अल्फा एंगल बनाएगा। अगर आपने टेलीस्कोप लिया तो टेलीस्कोप के साथ भी वो सेम एंगल ही बनाएगा क्योंकि वो तो बहुत दूर है ना। सो बहुत दूर रहने की वजह से ये वाला जो एंगल अल्फा है यही आपके आंखों के साथ बनने वाला डायरेक्ट एंगल है। सो पहला पॉइंट यहां पे अच्छे से क्लियर रखना कि जब हम टेलीस्कोप यूज करते हैं तो स्टार्स बहुत दूर रहते, वहां से आने वाली रेस पैरेलल आती, तो डायरेक्ट आपके आंखों के साथ बनने वाला एंगल यानी आपके टेलीस्कोप के साथ बनने वाला एंगल, तो ये अल्फा एंगल सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये अल्फा है तो ये भी अल्फा बनेगा, यहां से सीधा आप यहां पर आ गए और यहां पर आने के बाद आप ध्यान रखना यहां पर सिर्फ दो लाइट रेज होती है क्या, नहीं, यहां पे नंबर ऑफ लाइट रेज होती है और सभी के सभी यहां से बहुत सी नंबर ऑफ लाइट रेज आती है और नंबर ऑफ लाइट रेज पूरी की पूरी यहां पे आती है और यहां आने के बाद यहां से नंबर ऑफ लाइट रेज ऐसे सामने की तरफ निकलती है क्योंकि ये आने वाली बहुत सी लाइट, ये पूरे लाइट रेज ऐसे आते हैं, ये पूरे लाइट रेज ऐसे कंबाइन होंगे, ये पूरे लाइट रेज ऐसे आगे जाएंगे। तो इसमें से एक लाइट रेज दिया जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ, अब ये वाली लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और सीधे आपकी आंखों में आएगी, ये वाली लाइट रेज आपकी आंखों में आ रही, ये लाइट रेज आपकी आंखों में आएगी, तो ऐसे जितनी भी लाइट रेज आपकी आंखों में पहुंचेगी वो सब यहां कहीं से तो भी आ रही है ये वाला, तो ये सामने की तरफ डाइवर्ज हो रही है, ये पीछे की तरफ कन्वर्ज होगी, तो यहां पे अपनी फाइनल इमेज बनेगी, समझा। तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हुआ आपका इमेज डिस्टेंस। बेटा इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां था, इंफिनिटी पे, और इमेज कहां पे थी, यहां पर, और इसकी जो इमेज बनी वो इसके लिए क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, तो आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट हुआ और आईपीस की इमेज बनी यहां पर, तो इसको मैं I1 कह सकता हूं, तो इसको मैं I2 कह सकता हूं, समझा इतना। अब मैग्निफिकेशन के बारे में, अब ये टेलीस्कोप का इस्तेमाल करने के बाद, टेलीस्कोप का इस्तेमाल करने के बाद आपकी आंखों के साथ फाइनल इमेज कितना एंगल बना रही है, बीटा। सो ये जो बीटा है ये आपकी आंखों के साथ एंगल बना इमेज का विद द यूज ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के मदद से बीटा एंगल बना। सो ये मैग्निफिकेशन रहेगा एंगल विथ टेलीस्कोप और अल्फा एंगल रहेगा एंगल विदाउट टेलीस्कोप, ठीक है। विदाउट टेलीस्कोप बोले तो यही वाला बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पे। चलो अब देखो यहां से बीटा अगर मैं लू तो एच डिवाइडेड बाय यू, ये यू ई है ना मेरा, सो ये यू ई यानी ये वाला ही, सो यहां से टैन बीटा यानी एच डिवाइडेड बाय यू ई, तो ये एच डिवाइडेड बाय यू ई ले लिया। यहां से मैं टैन अल्फा लूंगा, सो टैन अल्फा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एफ नॉट, ये मेरा ये है बेटा, तो ये वाला एफ नॉट और ये है मेरा यू ई, बराबर ध्यान देना। सो टैन बीटा लूंगा तो एच बाय यू ई और टैन अल्फा लूंगा तो एच बाय एफ नॉट, ऐसे ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, आप ट्रायंगल देख लेना, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, ठीक है, और ये इस तरफ वाला ट्रायंगल बन रहा है ऐसा। सो ये हो गया एच बाय यू ई, ये हो गया एच बाय एफ नॉट, तो ये रख दिया एफ नॉट बोले तो ये वी नॉट, ठीक है, इसको सिंपल करके ऐसा लिख दिया। अब देखना इमेज मेरी बन रही है वी नॉट पे, यानी उसी को मैंने फोकल लेंथ ले लिया एफ नॉट, यानी वी नॉट की जगह एफ नॉट। दूसरी एक बात, अगर बेटा ये इमेज बननी चाहिए इंफिनिटी पे, यानी इसकी फाइनल इमेज कहां पर बननी चाहिए, इंफिनिटी पे, तो ये लेंस की वजह से, तो इमेज अगर इंफिनिटी पे बनाना है तो ऑब्जेक्ट कहां पे रहना चाहिए, फोकल लेंथ पे, तो ये वाला डिस्टेंस भी आपका फोकल लेंथ फॉर आईपीस होना चाहिए, फोकल लेंथ फॉर आईपीस। तो तुम
यूई के जगह पर फोकल लेंथ फॉर आईपीस ले सकते हो और वी नॉट के जगह पर फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस ले सकते हो। आप देख लेना अच्छे से, इंफिनिटी से आने वाले फोकस पे मिलेंगे, तो ये हो गया। और इसके फोकस पे अगर होगा तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, यहां पे इंफिनिटी बोले तो काफी दूर, तो ये फोकस पे आ जाएगा। तो ये फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय ये फोकल लेंथ, यानी आपका मैग्निफिकेशन आ गया। ये मैग्निफिकेशन कब आया? जब इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ये वाला पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर इंफिनिटी पे ना बनते हुए सिर्फ वीई पे बना तो हम लोग इसको लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये मैग्निफिकेशन अपना यहां तक हुआ, ये वाला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। ये फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करेंगे। इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट डी डिस्टेंस तब क्या होगा देखेंगे। तो ये लेंस के लिए, ये लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाओ। लेंस फॉर्मूला क्या है बेटा? 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। ये लगा दो फॉर आईपीस, आईपीस के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो ये आईपीस हो गया, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोले तो ये वाला, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस, अब वी फॉर इमेज, यू फॉर ऑब्जेक्ट और एफ फॉर फोकल लेंथ। तो इमेज डिस्टेंस चाहिए मुझे डी, तो मेरी इमेज बननी चाहिए डी डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इस तरफ बन रहा है यानी माइनस डी, क्योंकि ये रेज ऐसे जा रही ना, लाइट रेज ऐसे जा रही और आपका इमेज डिस्टेंस इस तरफ है, इसलिए माइनस डी। तो इमेज डिस्टेंस की जगह पे माइनस डी ले लिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इसी तरफ है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी माइनस में ले लिया। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, सो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। इसको सिंप्लीफाई करो, आपका ये आ जाएगा। अब ये 1 बाय u जो है, इस वैल्यू को यहां पे पुट अप कर देना। ये देखो बेटा, ये 1 बाय u, इसकी वैल्यू को यहां पे हम पुट अप कर देंगे, सो मैग्निफिकेशन आ जाएगा इतना, क्योंकि ये 1 बाय u है ना, और यहां पर भी 1 बाय u है, और उस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया इससे, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये जो v नॉट है, वो v नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं? f नॉट, क्योंकि ये v नॉट इक्वल टू f नॉट है, सो v नॉट की जगह f नॉट लिख दो, ये आ गया बेटा। ये f नॉट बाय f ही हो गया, ठीक है। ये d यहां पे डिवाइड करो, ये डिवाइड यहां पे डिवाइड करो, सो d d से डिवाइड होगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1, सो 1 प्लस f ही बाय d आ गया। ये हो गया तुम्हारा मैग्निफिकेशन, कब? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट d डिस्टेंस। अच्छे से ध्यान देना अभी जो मैं बता रहा हूं, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट d डिस्टेंस तब ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी तब मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला, क्लियर। अब बेटा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, यानी टेलीस्कोप आपका यहां से लेके यहां तक है, सो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को क्या ले सकते हैं? UE प्लस V नॉट, यहां से लेके यहां तक का V नॉट, ये UE, सो V नॉट प्लस UE, ये ले सकते हो आप। यहां पे मैं V नॉट लिख देता हूं, सो ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हुआ। बट आपका V नॉट जो है वो फोकल लेंथ है, और UE जो है वो भी फोकल लेंथ है, ये आईपीस का, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का, सो इसकी फोकल लेंथ प्लस इसकी फोकल लेंथ भी ले सकते हैं जब इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो जब इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तब आपका फोकल लेंथ का ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का ये फॉर्मूला, क्योंकि टेलीस्कोप की लेंथ बोले तो यहां से लेके यहां तक, तो ये हो गया फोकल लेंथ फॉर आईपीएस, ये हो गया फोकल लेंथ फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस, क्लियर हो गया यहां तक। तो आप इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं। अब बेटा मैं शॉर्ट में आपको मैग्निफिकेशन रिवाइज करा देता हूं माइक्रोस्कोप के और टेलीस्कोप के। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, सभी के फॉर्मूले हम लोग शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे, चार्ट बनाएंगे। ये देखो ना, पहले हम लोग ले रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर लेंगे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर ले लेते हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। अब हर एक के मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले याद करेंगे। इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डी बाय एफ ई और 1 प्लस डी बाय एफ ई आया था। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले आए थे, ठीक है ना।
ये फॉर्मूला कब आया था, व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट डी डिस्टेंस, और ये फॉर्मूला कब आया था, व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी, ठीक है। सो डी बाय एफ ई वन प्लस डी बाय एफ ई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ एम नॉट एंड एम ई। इसमें दो लेंस थी, आईपीस था और ऑब्जेक्टिव लेंस था, तो इसमें क्या हुआ था, वी नॉट बाय यू नॉट, और ये क्या हुआ था, डी बाय एफ ई। और वैसे ही यहां पर भी वी नॉट बाय यू नॉट, और ये हो गया था तुम्हारा वन प्लस डी बाय एफ ई। तो बेटा ये डी बाय एफ ई जो है वो आईपीस का है, और ये वन प्लस डी बाय एफ ई ये पूरा आईपीस का है। तो ये जो चीज थी ये फॉर आईपीस, उसी को हमने यहां पे लिखा, क्योंकि माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस ऐसे दोनों थे, ये था आपका ऑब्जेक्टिव लेंस या आईपीस। तो टोटल मैग्निफिकेशन यानी इसका मैग्निफिकेशन इनटू इसका मैग्निफिकेशन, दोनों का मैग्निफिकेशन ले लिया। सो मैग्निफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस ये वी नॉट बाय यू नॉट, ये तो आपको फॉर्मूला पता है। मैग्निफिकेशन फॉर द आईपीस इज डी बाय एफ ई वन प्लस डी बाय एफ ई। ये कब रहेगा, व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी। ये कब रहेगा, व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट डी डिस्टेंस। अब आपका टेलीस्कोप, इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई वन प्लस एफ ई डिवाइडेड बाय डी। सो ये मैग्निफिकेशन आ रहा है फॉर द टेलीस्कोप। ये सिंपल याद रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा आईपीस छोटी ऐसा है, या ऑब्जेक्टिव लेंस या आईपीस। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस 100 टाइम्स बड़ी रहा आईपीस के, तो आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा 100, ठीक है। बेटा हर जगह पे मैग्निफिकेशन है तुम्हारा बीटा बाय अल्फा, तीनों भी जगह पे मैग्निफिकेशन इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। एंगुलर मैग्निफिकेशन, यहां पर भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बीटा बाय अल्फा। सो बेटा बीटा क्या था और अल्फा क्या था, बीटा यानी क्या, एंगल मेड विथ डिवाइस, दैट डिवाइस मे बी माइक्रोस्कोप मे बी टेलीस्कोप, उनके मदद से बनने वाला एंगल, दैट इज अ बीटा। यानी इमेज का आंखों के साथ बनने वाला एंगल विथ द यूज ऑफ डिवाइस। और अल्फा यानी क्या, ऑब्जेक्ट रहे या इमेज रहे, माइक्रोस्कोप रहे या टेलीस्कोप रहे, डायरेक्ट हम आंखों से ही देख रहे ऑब्जेक्ट को, तब जाके बनने वाला एंगल बोले तो अल्फा। डायरेक्ट आंखों के साथ बनने वाला एंगल ऑब्जेक्ट का, दैट इज अल्फा। और बीटा यानी क्या, आंखों के साथ एंगल बनेगा लेकिन विद द यूज ऑफ डिवाइस, दैट इज बीटा। सो बीटा बाय अल्फा इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन हर जगह पर। आप फॉर्मूले को थोड़ा सा गौर से अगर देखोगे तो आपको फॉर्मूले इजीली याद हो जाएंगे। सिर्फ आपका खेल है डी बाय एफ ई, सिंपल माइक्रोस्कोप डी बाय एफ ई वन प्लस डी बाय एफ ई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो लेंस है तो दोनों का मैग्निफिकेशन इसका डी बाय एफ ई वन प्लस डी बाय एफ ई एज इट इज रहेगा। ये इसका लिए वी नॉट बाय यू नॉट, वी नॉट बाय यू नॉट ले लेना। इसके बाद यहां पर टेलीस्कोप, सामने वाली लेंस बड़ी छोटी और ये लेंस छोटी, तो इसका फोकल लेंथ अपॉन इसका फोकल लेंथ ये ले लेना। व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी, और ये कब रहेगा, व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट डी डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें भी 1 प्लस डी बाय एफ ई का रेसिप्रोकल है क्योंकि टेलीस्कोप है, यहां पे डी बाय एफ ई है, डी बाय एफ ई डी बाय एफ ई डी बाय एफ ई ऐसा ही है। यहां पे सिर्फ एफ ई बाय डी हो रहा है क्योंकि ये टेलीस्कोप है ये माइक्रोस्कोप है। क्लियर बेटा, इस तरीके से आप पूरे फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। ये चार्ट आपको याद रहना चाहिए। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को वैसे हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है, अभी आप इनके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ओके, बाय बेटा।